हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एजे। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कि आज हम टेस्ट करेंगे अपनी किया सोनेट 2021 का। वैसे तो आप ये कह सकते हैं आप किया सोनेट 2020 है ये, क्योंकि ये 2020 में हमने ली थी। और वैसे कोई फर्क भी नहीं है, जो 2021 में किया सोनेट आ रही है उसमें भी कोई चेंज नहीं है, वही इंजन आ रहा है, वही सब कुछ आ रहा है, कुछ नया मतलब अपडेट नहीं आ रहा है। तो आप 2021 भी कह सकते हैं, क्योंकि वैसे ये 2021 चल रहा है, तो किया सोनेट 2021 आप बोल सकते हैं आराम से, 2021। तो आज हम जो टेस्ट करेंगे वो करेंगे कि जो आरपीएम है हमारी, मतलब तो उसमें मतलब कि 4 से 5 आरपीएम के बीच में तरह तरह के गियर हम लेंगे, और मतलब क्या रिस्पांस रहता है, मतलब टॉप स्पीड क्या रहती है, लाइक दूसरे गियर पे लेंगे तो फिर क्या टॉप स्पीड रहती है, तीसरे गियर पे लेंगे तो 4 से 5 आरपीएम के बीच में क्या टॉप स्पीड देती है। तो आज हम जो वीडियो है उस पर बनाएंगे पूरा, और कोशिश करेंगे कि हम 5वें 6वें गियर तक भी आराम से ले लें। तो वीडियो में मतलब एंड तक बने रहना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और गाइस, ये कभी भी खुद से ट्राई मत करना, क्योंकि ये वीडियो काफी रिस्की है, और रोड भी देख सकते हैं आप, लाइक कभी भी गाड़ी आ सकती है, कोई पता नहीं है, इधर से भी टर्न है, सीधी भी गाड़ी जाती है, तो उस पे मतलब कि हमें स्पीड मतलब एक टाइप से नॉर्मल रखनी पड़ेगी, ज्यादा भी हम नहीं ले सकते इस पे। तो कोशिश करेंगे कि हम जितना जा सकें उतना मतलब हम आपको दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आप देख सकते हैं, ये देखो दूसरे गियर पे गाड़ी, और आपके देखते हैं अभी दूसरे आरपीएम पे है, 2 आरपीएम पे चली हुई है, देख रहा होगा आपको रेड सुई साइड में। ये हम लेंगे दूसरे गियर पे ले रहे हैं, और ये देखो 4 आरपीएम से ऊपर में 5 आरपीएम तक जा रही है आपकी स्पीड, ये आराम से 70 खींच देती है 5 आरपीएम तक आपकी, ये आपने देखा। और ये तीसरे पे लेते हैं हम, तीसरे पे देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तीसरे गियर पे गाड़ी आपकी 4 आरपीएम पे, 4 आरपीएम से ऊपर चली गई है, देख सकते हैं आप, 4 आरपीएम से ऊपर चली गई है तीसरे गियर पे, 98, 99, 100, भाई क्या बात है, कमाल। 5 आरपीएम तक 110 की स्पीड तीसरे गियर पे, वाह। तो अब गियर चेंज करते हैं, चौथा गियर लेते हैं, अब चौथे गियर पे देखते हैं। अब चौथा गियर ले लिया मैंने, आपको आ रहा होगा स्क्रीन पे लिखा हुआ, वैसे छठा गियर मांग रही है, पर ये वीडियो हमने मतलब आपको टेस्ट करके दिखाना है पूरा, फुल रिस्की वीडियो है भाई ये। चौथे गियर पे गाड़ी आपकी ये भाई 4 आरपीएम से ऊपर 5, देख सकते हैं 120, आराम से 120 तक जाती है खेच के, कोई दिक्कत नहीं है 4 आरपीएम से ऊपर। देख सकते हैं अभी वाला हम हाईवे पे हैं पूरा, और ये देखो चौथे गियर पे, पांचवा गियर लेंगे अभी, पांचवा लो, पांचवा गियर लिया, और ये गाड़ी देखो आपकी अभी 2 आरपीएम पे चली हुई, 2 आरपीएम लेवल है गाड़ी का, देख सकते हो सीधा, मतलब अभी ट्रैफिक थोड़ी दूर दूर है, और ये 3 पे चली गई अभी, 100, 107, 8, 10, देखते हैं पांचवे पे कितना लेती है, कितना देती है ये। और ये 120 गई आपकी, गैस थोड़ा रोड टर्न होने की वजह से दिक्कत हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि रोड बीच में टर्न है, मतलब सीधा रोड नहीं मिल रहा, जिस वजह से हम 5वें गियर पे दिखा नहीं पा रहे, पर कोशिश करेंगे कि जैसे मतलब कोई सीधा सा रोड मिलता है 5वें गियर पे प्रॉपरली दिखावा है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं 5वें गियर पे 110 आरपीएम 3 से ऊपर जा चुका है, 4 तक जा रहा है आरपीएम आराम से, और ये देखो 122, 124 और लेते हो 125, देख सकते हो गाड़ी मतलब कैसे, मतलब फिर भी कितनी नॉर्मल चली हुई, नहीं तो और कोई गाड़ी हो तो काफी ज्यादा वाइब्रेशन होती है गाड़ी के अंदर, कोई वाइब्रेशन ऐसी नहीं हो रही इसमें। 4 आरपीएम तक नहीं, अभी 4 आरपीएम तक लेंगे, 4 से ऊपर अभी 4 जा रही है, 137, 38, 42, 42, 45, 47, 48, 49, 48, ले तो रहो 4 आरपीएम तक गई आपकी, 145 की स्पीड गई आपकी 4 आरपीएम तक, आपने देखा डेढ़ सेक्टर ले जाती है, कट मोड़ है ना। हाँ, और यहाँ पे मोड़ था नहीं तो ये आराम से 150, 160 जाती, लेकिन मोड़ की वजह से स्पीड स्लो रखनी पड़ी कहीं, क्योंकि गैस होता है कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहेगी, गाड़ी कंट्रोल में रहेगी, पर मान लो चूक हो जाए कुछ हल्की सी, या कोई गाड़ी सामने से अचानक से आ जाए तो उसमें गाड़ी कंट्रोल खो देती है अपना, तो ये दिक्कत आती है। अभी गाड़ी 5वें गियर पे चल रही है, और ये आपका 4 आरपीएम के पास जा रही है, मतलब हमने 4 आरपीएम तो करके देखना है टेस्ट, क्या मतलब क्या रिस्पॉन्स आता है। ये देखो अचानक से टर्न आते हैं ना, सडन ब्रेक लेना पड़ता है गाड़ी में, ये दिक्कत आती है, ये काफी रिस्की टेस्ट है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया करके ऐसा कभी ना करें अपने गाड़ी में, क्योंकि वो भी ऐसे रोडों पे जिनमें टर्न ही टर्न है, आप देख सकते हैं कहीं से गाड़ी आ सकती है, इतने सारे ट्रक आ रहे हैं आजकल, तो कृपया करके ये ऐसा ना करें, बहुत ही रिस्की टेस्ट है, फुल रिस्की टेस्ट है ये, और इससे ज्यादा जाने की हिम्मत भी नहीं हमारी 145 से ऊपर, क्योंकि ये रोड वैसी है भी नहीं कि इसमें आप
मतलब कि 170 180 ले जाएं, पर हमने ये देखा कि पांचवे गियर तक 4 RPM पे आपकी गाड़ी 145 150 उठा लेती है 4 RPM से ऊपर। तो मतलब ये फायदा, अगर भाई छठे गियर ले तो आराम से गाड़ी 200 से ऊपर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 210 जाएगी स्पीड। तो वो हम आपको इस रोड पे नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि कितने ज़्यादा टर्न है और इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। वो कभी मैं आपको दिखाऊंगा जब बिल्कुल खाली रोड होगा। तो आपने ये देखा, बस मेरे को आपको ये बताना था, इस वीडियो में इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एक टाइप से, कि मतलब गाड़ी कैसा रिस्पॉन्स करती है तरह तरह के गियर पे, अगर हम 4 RPM से ऊपर लेते हैं तो क्या रिस्पॉन्स करती है गाड़ी। तो आपने देखा दूसरे पे क्या रिस्पॉन्स था, तीसरे पे क्या रिस्पॉन्स था, चौथे पे क्या रिस्पॉन्स था, पांचवे पे क्या रिस्पॉन्स था, छठा का रिस्पॉन्स मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे जब भी मेरे को रोड कोई खाली मिलेगी, क्योंकि इन रोडों पे छठा का रिस्पॉन्स मैं नहीं बता सकता, सिक्स गियर का रिस्पॉन्स, क्योंकि अगर सिक्स गियर लेंगे तो स्पीड 200 तक तो आराम से जाएगी या उससे ऊपर भी जा सकती है इस गाड़ी की, और वो रिस्की होगा काफी, और यहाँ टर्न ही टर्न है जगह जगह। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कृपया करके ऐसा बिल्कुल भी ना करें आप अपने साथ अपनी गाड़ी में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिस्की टेस्ट है, और इसमें गाड़ी अगर बैलेंस खोएगी तो सीधा आपकी कहीं ना कहीं जाके लगेगी। देख सकते हो पहले गियर पे गाड़ी ली हमने, और ये देखो बस 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 रोक दो छठे तक 40 तक की स्पीड जाती है ये। बस पहले गियर पे गाड़ी लोगे तो कभी पहले गियर पे मत चलाना, वैसे ही IMT वेरिएंट है गाइस, तो कॉमन सी बात है कि ये किसी भी गियर पे 60-70 खींच देगी, बट पहले गियर पे ऐसा भूल के भी मत करना कि पहले गियर पे 50 की स्पीड या 6 RPM पे गई थी और 7-8 RPM आप देख सकते हो, तो कितना रिस्की है। अगर आप 7-8 तक ले जाओगे तो आपका इंजन बहुत ही ज़्यादा लोड लेगा और जिस वजह से आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है और सीधा आपको सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा। तो पहले गियर पे बिल्कुल ना ले जाए, और दूसरे गियर पे 70 तक स्पीड जाती है, आपने देखा 65-70 4 RPM तक। तो मेरे को बस आपको यही बताना था, ये सारी चीज़ें जो थी मतलब मेरे को आपको क्लियर करनी थी, और गाइस मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के डाउट्स भी थे कि कैसा परफॉर्म करती है RPM पे मतलब तरह तरह के गियर पे, कैसा मतलब क्या टॉप स्पीड देती है। तो आपने टॉप स्पीड देखा एक टाइप से, हमने 4-5 RPM रखी थी गाड़ी की टॉप स्पीड के लिए, तो उसमें आपने देखा तरह तरह के गियर पे कैसा मतलब तरह तरह के गियर पे कितनी ये टॉप स्पीड देती है।